नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसे दबाकर उसे भी ओके कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वो वीडियो देख पाएं जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मॉडेम जो है उसकी काफ़ी भूमिका हमारे जीवन में, हर चीज़ के अंदर। आज के दिन जो है मॉडेम नहीं होता है तो वो काम करना बंद कर देता है। जैसे ही आपके पास मोबाइल, अगर उसमें मॉडेम नहीं होगा तो इनकमिंग आपको कोई कॉल आप नहीं कर पाएंगे, आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपके घर में है टेलीफोन तो उसके अंदर भी जो है वायर्ड मॉडेम आता है। तो मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं तो उनकी मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा कि क्या है मॉडेम। मॉडेम वह यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल संकेत जो हैं, जैसे मान लीजिए है एक फोटो है उसको हम व्हाट्सएप के द्वारा कहीं पर भेज रहे हैं तो उसको जो है वो एनालॉग संकेत में या फिर नेटवर्किंग संकेत में बदल कर सामने भेज देती है और वहाँ पर जो मॉडेम लगा है वो उसको फिर से एनालॉग जो यहाँ से भेजा गया सिग्नल उसको फिर से जो है डिजिटल सिग्नल में बदल कर वहाँ पर शो कर देता है। तो इस हिसाब से जो है मॉडेम काम करता है। तो मॉडेम जो है वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। शुरू में जो मॉडेम आए थे वो वायर्ड थे सारे के सारे, और कुछ मॉडेम ऐसे होते हैं जो सिर्फ वन वे में काम करते हैं और कुछ मॉडेम होते हैं जो हमारे मोबाइल और हमारे जो इंटरनेट सुविधा जिसे हम लेते हैं उनमें होते हैं, वो होते हैं डबल वायर के। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस हिसाब से काम करते हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो एक होता है इंटरनल मॉडेम जो किसी चीज़ के अंदर लगा हुआ होता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मॉडेम लगा हुआ है उसे इंटरनल मॉडेम बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटर्नल मॉडेम, और एक्सटर्नल मॉडेम लगता है बाहर। अगर आपको लेना है इंटरनेट कनेक्शन तो बाहर जो है मॉडेम लगता है, और जैसे ही एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL काफ़ी सारे जो मॉडेम आ रहे हैं आप लैपटॉप के अंदर लगाते हैं उसमें सिम कार्ड डालते हैं वो भी एक प्रकार का मॉडेम है जो एक्सटर्नल है, बाहर से लगता है। तो ये है मॉडेम। और जो मॉडेम का काम है वो है डाटा जो होते हैं हमारे वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचाने या भेजने का कार्य करते हैं। और टेलीफोन लाइन का इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है इंडिया का वो है BSNL। सारे कनेक्शन BSNL से ही कनेक्टेड हैं, सारे इंटरनेट जो है BSNL से ही कनेक्टेड हैं जिस हिसाब से चलता है। और आजकल तो सेटेलाइट के माध्यम से भी जो है हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन आने लगे हैं तो उसमें भी जो है मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। अगर मॉडेम नहीं होगा तो वहाँ से जो अनलॉग सिग्नल आ रहे हैं उन्हें डिजिटल में बदलेगा कौन, और फिर वो बदल ही नहीं पाएगा तो उसका जो है नाम ही नहीं होगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से जो मॉडेम काफ़ी महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। और जो मैसेज वगैरह जो मॉड्यूलेटर कंप्यूटर और बाकी की जो डिजिटल डिवाइस से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको ठीक भी करता है और उन्हें अनलॉग सिग्नल तक पहुँचा देता है, ये सब इसके काम है। जो टेलीफोन लाइन की कॉपर वायर के जरिए आते हैं और कॉपर वायर जो है काफ़ी बेटर जरिया है और इसके अंदर जो है सिग्नल काफ़ी अच्छे से घूम सकते हैं, तो कॉपर लाइन काफ़ी यहाँ पर बढ़िया है। और एक कंप्यूटर का मॉडेम जो है वो फ़ोन की जो ध्वनि होती है उसका भी इस्तेमाल करता है और उसे कंप्यूटर की भाषा में बदल देता है। जैसे कि कोई भी सिग्नल सामने से आ रहा है तो ये ध्वनि के माध्यम से जो लाइन के द्वारा आता है और वहाँ पर आकर जैसे कोई फोटो है या फिर कोई वीडियो है या फिर कोई मैसेज है, ईमेल है, उसे ध्वनि के माध्यम से यहाँ तक भेज देता है। और यहाँ पर जो मॉडेम लगा हुआ है उसके विपरीत काम करता है, उसे फिर से डिजिटल संकेत बदल देता है। डिजिटल संकेत का यहाँ पर मतलब ये है कि जो चीज़ वायर्ड या फिर वायरलेस से आ रही है कोई भी मैसेज उसको हमें शो करके दिखा देता है डिस्प्ले पे, उसे बोलते हैं डिजिटल। और कुछ अलग प्रकार के भी मॉडेम यहाँ पर होते हैं, एक होता है फुल डुप्लेक्स, ये डाटा को दोनों तरफ से काम करने और डाटा को प्रसार करने की अनुमति देता है। और यहाँ से हम आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं, डाटा जो हैं उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है किस हिसाब से कितना डाटा प्रोवाइड करना है या फिर डिवाइड करना है उस हिसाब से कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसलिए इसमें दो समाक लाइन होती हैं, इसमें जो है ड्यूल लाइंस वायर लगे हुए होते हैं जो इसके साथ काम करते हैं। एक पहला भेजने के लिए होता है, दूसरा रिसीव करने के लिए, इस हिसाब से काम करते रहते हैं। और इनके डाटा संचार के लिए मॉडेम दो वायर या फिर चार वायर के भी हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा वायर भी हो सकते हैं। और वायर मॉडेम दूसरा यहाँ पर जो है वायर मॉडेम जो लगता है लैंडलाइन मोबाइल के लिए या फिर जो ऊपर मॉडेम लगा हुआ उसके लिए, फिर नीचे राउटर वगैरह का काफ़ी सिस्टम या और झमेला होता है आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। और जो वायर मॉडेम है वो भी इस हिसाब से काम करता है, सिग्नल लेता भी और भेजता भी है। और जो फोर लाइन मॉडेम है उससे टू वायर लाइन जो मॉडेम है सस्ता भी है। और अब बात करते हैं मॉडेम के लाभ की, इसका इस्तेमाल इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी किया जाता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। मॉडेम डाटा संचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रचलित साधन है और ये टेलीफोन की लाइन और कंप्यूटर को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसकी कीमत भी अधिक नहीं होती है, काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाता है। और वैसे भी आजकल जो है मॉडेम की जो है काफ़ी खपत कम हो गई है क्योंकि मोबाइल फ़ोन से आप इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर सारे काम कर लेते हैं।
अब बात करते हैं मॉडेम के नुकसान की। इसके काम करने की जो गति है वो इसकी कीमत पे निर्भर करती है। अगर आप अच्छा पैसे का मॉडेम खरीदेंगे तो वो ज़्यादा बेटर काम करेगा, और ये सिर्फ लैन और इंटरनेट के बीच ही काम करता है और दूसरी जगह पर यह काम नहीं कर पाएगा, और ये इंटरमीडिएट प्रक्रिया को नहीं समझ पाता है। इसके कनेक्शन के लिए आपको RJ11 जैक की ज़रूरत होती है, और तभी ये डाटा संचार करवा देता है, क्योंकि इसमें जो केबल लगती है मॉडेम की बाहर से, जिसमें 8 वायर होते हैं, 6 वायर होते हैं, काफ़ी सारे लैन केबल जिन्हें हम बोलते हैं, वो इसके साथ कनेक्ट करनी होती है, इस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आजकल जो कुछ मॉडेम आ रहे हैं उनमें भी आप जो दूसरा मॉडेम है जिसे हम सिम डालकर यूज करते हैं हमने कंप्यूटर में, तो ऐसे में राउटर वगैरह तो काफ़ी सारे आ रहे हैं जिनमें इनबिल्ट सब कुछ होता है, मॉडेम भी राउटर भी सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है। ऐसे डिजिटल स्क्रीन के साथ आपको मॉडेम मिल जाते हैं, तो उनमें जो है आप वायर की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन आजकल जो है छोटे मॉडेम आ रहे हैं जो वायरलेस ही काम कर देते हैं, इस हिसाब से जो है मॉडेम जो है वो काफ़ी छोटा हो गया, माइक्रो हो गया है। जो पहले वाले मॉडेम हैं वो इतने यूज़ में नहीं आते, इतना छोटे वाला हम यूज लेते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, मॉडेम जो है अगर सही रूप से आप काम लेंगे तो उनको दो करके काम में लेना पड़ता है, मतलब जोड़ा यहाँ पर आपको यूज करना होगा, क्योंकि एक मॉडेम होगा तो काम नहीं करेगा। जहाँ से सिग्नल भेजना है और जहाँ पे रिसीव करना है तो दो मॉडेम उसकी जरूरत होगी होगी, ये आप समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है या फिर आपने एक लैंडलाइन कनेक्शन ले रखा है, तो जहाँ से लैंडलाइन का जो इंटरनेट का संचार होता है, जहाँ से रिलीज किया जाता है, और यहाँ पे लगा हुआ मॉडेम से रिसीव करके आपको जो है डिस्प्ले करता है, तो इस हिसाब से हो गए दो मॉडेम। तो हमेशा से दो ही मॉडेम काम में आते हैं, सिंगल मॉडेम कभी भी काम नहीं आता है। दूसरी सामने वाली जो चीज़ है उसको जोड़ने के लिए इधर भी कुछ होना चाहिए, इस हिसाब से ये मॉडेम्स काम करते हैं। और ये मॉडेम जो हैं काफ़ी सस्ते में आज मार्केट में आपको मिल जाएंगे, और आपने इनका यूज़ भी किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं था, इस हिसाब से काम करते हैं। और आजकल जो है सेटेलाइट मॉडेम भी आ रहे हैं, और कुछ दिन बाद जो है सेटेलाइट इंटरनेट की सुविधा भी हम सबको मिल जाएगी, डायरेक्ट सेटेलाइट से जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।